हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे साड़ी से रिलेटेड कुछ टिप्स और कैसे एक सॉक्स की मदद से हम कपड़े को अच्छे से प्रेस कर सकते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज के पास बहुत सारी हैवी साड़ीज होती है, उन साड़ीज को हम हैंगर में लगाते हैं, और जब भी हैंगर में लगाते हैं तो क्या होता है, वो वेट पड़ने की वजह से एक साइड से गिरने लग जाती है, जिससे पूरा कवर जो है वो मैसी हो जाता है और साड़ी अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाती। ये देखिए, बहुत ही दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कैसे रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने साड़ी का पेटीकोट जो होगा उसे हैंगर में इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से हैंगर में साड़ी का पेटीकोट लगाकर उसके बाद हम ये जो साड़ी है इसे लगाएंगे। ये देखिए, कोट के ऊपर हमें साड़ी को इस तरीके से लगा देना है जिससे ये गिरेगा नहीं, और ऊपर से इसका जो ब्लाउज है उसे हम इस तरीके से, देखिए हैंगर में साड़ी हैंगर में बहुत ही अच्छे तरीके से टिकी रहेगी, और आपका ब्लाउज पेटीकोट साड़ी तीनों एक ही जगह रहेगा। ब्लाउज को लेकर उसके दोनों शोल्डर को हमें इस तरीके से हैंगर में लगा देना है, यहाँ पर जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरफ से आगे से हमें इसका हुक लगा देना है जिससे साड़ी बिल्कुल अच्छे से टिकी रहेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये दो या तीन हुक को लगा देंगे जिससे साड़ी इसमें अच्छे से सिक्योर हो जाएगी, और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप अपने अलमारी में लगा के रखेंगे तो कहीं भी जाना हो तो आप तुरंत ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी साड़ी पहननी है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। टिप मेरी ब्लाउज को लेकर है। हम लोग साड़ी बहुत कम पहनते हैं, कभी किसी फेस्टिवल में कहीं आने जाने में पहनते हैं, और ब्लाउज पड़े पड़े उसके अंदर जो ये हुक लगी होती है उसमें जंग लग जाता है। एक नेल पेंट ले ले, जिस कलर का ब्लाउज है उस कलर का नेल पेंट ले ले, या फिर ट्रांसपेरेंट ले ले, और जो ये हुक है इस पर हमें लगा देना है। इससे कभी भी इसमें जंग नहीं लगेगा। काफी पुराना ब्लाउज है इसलिए इसमें जंग लग गया है। आपके पास अगर नया ब्लाउज है, जंग लगने से पहले ही, ये देखिए इस तरीके के बिल्कुल नए होते हैं, तो उसमें आप ये नेल पेंट लगा दे, या फिर आप वैसलिन जो होती है वैसलिन को लेकर थोड़ा थोड़ा सा आप वो लगा देंगे तो उससे भी बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, और ये जो हुक होती है बिल्कुल सेफ रहेगी। ये थोड़ा थोड़ा सा आप वैसलिन लेकर लगा सकते हैं। आई होप आपको ये भी टिप पसंद आई होगी, बहुत ही यूजफुल टिप है। जब भी हमारे पास कॉटन का कपड़ा होता है, हमें आयरन करना होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें जो रिंकल्स होते हैं जाते ही नहीं है, हम कितना भी प्रेस कर ले उसके बाद भी वो रिंकल्स ऐसे ही बने रहते हैं। एक पुराना और साफ सुथरा सॉक्स ले ले, उसे पानी से गीला करके हल्का हल्का जिस भी कपड़े पर आपने प्रेस करना है उसको इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हल्का हल्का सा गीला कर दे। इसके बाद आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल आपका कपड़े में से रिंकल्स हो जाएंगे, आप देखेंगे कि कपड़ा बिल्कुल स्टीम आयरन की तरह प्रेस हो जाएगा। आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। जितनी भी आपके कॉटन के कपड़े होते हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रेस करने में, इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।